नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हम करने वाले हैं पिके कार्ड रीडिंग। ये है व्हाइट कलर का पाइल, रेड कलर और ब्लू कलर। आज का सवाल है, मैं किस तरह के इंसान से शादी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। अगर आप मेल हैं तो लड़की की तरफ से लड़की सोच सकते हैं, अगर आप लड़की हैं तो लड़का सोच सकते हैं। तो आज मैं ये पिके कार्ड रीडिंग के मदद से बताऊंगी कि आप किस तरह के इंसान से आप शादी करने वाले हैं। तो इनमें से कोई भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है तो उसको आप पिक कर सकते हैं। कार्ड का ये स्टैक है जो मैंने अभी शफल करके रखा है। ये है व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर आपको पसंद है तो व्हाइट कलर आप चूज कीजिए, रेड कलर पसंद है तो रेड कलर चूज कीजिए, और ब्लू कलर पसंद है तो ब्लू कलर आप चूज कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी ज्यादा अच्छे वीडियोस के लिए मेरे नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भूलना मत, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और मेरे वीडियोस को वहाँ पे भी देखिए, मैं वहाँ पे भी वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। So without further, let's get started. उन लोगों के लिए वो किस तरह के इंसान से शादी करने वाले हैं, सो चलो देखते हैं। और ये एंजल का और ये वर्ड का जो मैंने खुद बनाए हैं, इनको हम बाद में देखते हैं। और ये है राइडर वेट का जो मैं सिर्फ YouTube वीडियोस के लिए यूज करती हूँ। तो अभी देखते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है कार्ड्स में। ऑलराइट, आपको राइट नाउ आप सिर्फ अपने पैसे की तरफ ध्यान दे रहे हैं एंड आपको थोड़े पैसे की तंगी है आपके लाइफ में, एंड कंटिन्यूस आप इस चीज को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे थे। व्हाट यू नो, आप ये पूरे लाइफ के दौरान आप पैसे की तंगी के बारे में बहुत परेशान हो चुके हैं, बट आपके लाइफ में जो भी इंसान आने वाला है उसके पास पैसे की तंगी नहीं होगी, बिकॉज उस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत मेहनत की है। एंड राइट नाउ आपकी शादी जल्दी होने वाली तो नहीं है, बट एक टाइम के बाद होगी, ये बात एक कार्ड डेफिनेटली बता रहे हैं। एंड वो बंदा किस तरह, बंदा या बंदी किस तरह किससे होगी, ये कार्ड देख के डेफिनेटली ये पता चल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द गाय लड़के हो सकते हैं और बहुत कुछ लड़कियों ने ये पाइल को चूज किया होगा। अगर आप लड़की है तो ये जान लीजिए, वो जिस किसी से भी अभी शादी होगी वो अपने अभी फाइनेंस के ऊपर काम करे जा रहा है। एंड राइट नाउ वो सोच रहा है कि मैं कौन सा स्टेप लूँ उस दौरान में है। एंड इफ यू आर लड़के हैं तो ये देख लीजिए कि वो लड़की भी उसके फाइनेंशियल सिचुएशन अभी अच्छा नहीं है, शी इज वर्किंग ऑन इट। एंड राइट नाउ वो पूरे जतोजस में है कि राइट नाउ जहाँ पे भी रह रही है उसको वो वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ से वो निकल के कहीं और जाना चाहती है राइट नाउ। बट एट द सेम टाइम बड़े मेहनत करने के बाद में शी डिसाइडेड समथिंग, नाउ शी जस्ट डिसाइडेड। एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर गोइंग टू मैरी, दिस वॉज अ मेजर क्वेश्चन जब हमने ये फाइल रीडिंग शुरू किया। वो पर्सन को स्लो एंड स्टडी चीज़ें जाना पसंद है, लेकिन इतना भी स्लो एंड स्टडी नहीं है कि काम ना हो, अपने काम को पूरी तरह से करने में वो जिम्मेदार महसूस करते हैं, बड़े जिम्मेदार पर्सन हैं। एंड कोई भी स्टेप आगे लेने से पहले वो सोचते हैं कि मैं क्या स्टेप लूँ ना लूँ, और मे बी नए शुरुआत से उनको डर लगता है, दैट कैन ऑल्सो बी द केस। एंड बट वो बहुत अच्छी तरह से सोचने के बाद में, समझने के बाद में, ये देखने के बाद में मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, वो स्टेप जब वो लेते हैं दे आर क्वाइट फैसिनेटिंग। ये जो भी बंदा है जिससे आप शादी करने वाला हूँ, वो बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के स्टेप लेने के बाद में, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से जदोजहद करने के बाद में, उसमें महारत हासिल करने के बाद में, एंड एट द पॉइंट वेयर वहाँ पे महारत होने के बाद में दे विल मीट यू,
और जब वो आपसे मिलेंगे वो आपसे इतना मतलब बहुत ही प्यार भरे बातें करेंगे, मे नॉट बी लाइक राइट ऑन द पॉइंट बट थोड़ा बहुत वहाँ यहाँ वहाँ फ्लर्टेशियस बात करके आपको लाइक हिंट देते रहेंगे कि मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ. एंड दे आर लिटिल रोमांटिक, लिटिल बोलना थोड़ा गलत है, दे आर लिटिल एवरेज रोमांटिक पर्सन. एंड जब आप उनसे मिलेंगे ये एक डेस्टिन होगा, लाइक ऊपर वाले ने आप लोगों की जोड़ी बनाई है, दिस इज लाइक परफेक्ट जोड़ी एक दूसरे के लिए. एंड एंजल कार्ड देख लेते हैं क्या आया है. गिव अ चांस टू इवॉल्व. आप जैसे कि राइट नाउ मैंने पहले कहा था कि आप वो बंदा या बंदी राइट नाउ शादी के लिए रेडी नहीं है क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट और व्हाट एवर द केस इज. सो जब आप से वो मिलेंगे उनको लगेगा हाँ ये टाइम है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ये पर्सन सही होगा शादी के लिए. एंड या उन लोगों को फोकस जस्ट लाइक जैसे कि वो अपने काम करे जा रहे हैं टू गेट दैट एंड गोल. ओके दे आर वर्किंग 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 इन द एंड दे विल डेफिनेटली गो नॉट गेट देयर गोल. एंड मेजॉरिटी ऑफ यू जो भी ये कार्ड पिक करे जो शादी करना चाहते हैं वो शादी करेंगे. एंड जो शादी नहीं करना चाहते उनके लिए मैं क्लियर कर दूँ, आप जो भी ड्रीम सोच रहे हैं वो ड्रीम डेफिनेटली कंप्लीट होगा, वो आपके लिए अपने लाइफ को कंप्लीट करने वाला है. आप अपने ड्रीम पे फोकस करते रहिए क्योंकि इन द एंड दिस आपका प्राइस जिस पे आप वर्क कर रहे हैं दे विल टेक यू टू द एंड. जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा एंड आप पूरी कायनात आपका सपना पूरा करने के लिए तैयार हैं. एंड द पर्सन हु डोंट वांट टू मैरी ये उनके लिए है. एंड इवॉल्व करने के बारे में सोचिए क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा मौका है राइट नाउ आपका सपना पूरा करने के लिए. एंड पर्सनली फील लाइक जो इंसान शादी नहीं करना चाहता आई थिंक राइट नाउ यू आर स्ट्रगलिंग विद मनी एंड यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ इट लुक्स लाइक आप डेफिनेटली अपनी जगह चेंज करेंगे एंड देन यू गोना गेट लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी द थिंग्स गोना चेंज. एंड अकेले हैं तो भी आपके पास पैसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होंगे. कंग्रेचुलेशन. ये था रीडिंग फाइल नंबर वाइट के लिए और नेक्स्ट देखते हैं दूसरे फाइल्स के लिए क्या है. आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगर आप यहाँ से लाइक स्किप करना चाहें तो. तो जिसने भी फाइल नंबर रेड कलर का चूज़ किया है उनके लिए अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ. आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भूलना मत कि लेटेस्ट जानकारी आपको मेरे चैनल के बारे में मिलती रहेगी. अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए. एंड रेड कलर का फाइल मैं आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू करने वाली हूँ. सो गाइस इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे कि आप अपने लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके के पिके कार्ड आप चाहे तो मुझे बता भी सकते हैं कि आपको किस तरह के पिके कार्ड चाहिए जो तो मैं वो तरीके के पिके कार्ड भी कर सकती हूँ आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर. तो राइट नाउ चलो शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग. फिर चलो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आया है. राइट नाउ आप एक किसी चीज़ से परेशान हो चुके हैं. ओके इट डेफिनेटली लुक लाइक आपका जो भी ये पार्टनर था या होने वाले हैं ये किसी का पार्टनर रह चुका था मतलब अभी उनसे ब्रेकअप हो चुका है इनका. एंड दे आर लाइक इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, इट्स बेटर मैं अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किसी और की तरफ जाऊँ. एंड अभी उनके लाइफ में थोड़ा सैडनेस चल रहा है एंड इट मे टेक अप्रॉक्सीमेटली अ मंथ आफ्टर दैट आपसे उनसे आपकी मुलाकात होगी. एंड दे आर लाइक नई नई चीज़ें उन लोगों को करना बहुत पसंद है और नए चीज़ों के साथ रहना उनको बहुत पसंद है और वो लाइक कुछ भी अजीब चीज़ें उनको दिखती है तो उनसे वो दूर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे. एंड या नया एडवेंचर जैसे चीज़ें करना उनको बहुत पसंद है, एडवेंचरस रहना उनको बहुत पसंद है. एंड दे आर क्वाइट फाउंड ऑफ उनके अपोजिट सेक्स को बहुत पसंद करते हैं वो, उनसे बातचीत करना लिटिल फ्लर्टेशियस भी है, पार्टी करना उन्हें बहुत पसंद है. एंड बहुत जल्दी बहकावा में भी आ जाते हैं वो आपके जो
न्यू फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं उन लोगों के लिए कुछ भी लाइक अच्छा चीज़ दिखे तो दे आर लाइक टोटली क्रेजी. लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता, ये बात समझने में उनको बहुत परेशानी है क्योंकि लास्ट रिलेशनशिप इसलिए ब्रेकअप हुआ उनका क्योंकि वो जिनको जिनके साथ वो रह रहे थे वो वैसे नहीं निकले. एंड बाहरी खूबसूरती को देख के लाइक जो भी जिनके साथ भी वो है उस चीज़ को देख के उनको ये लगा कि ओ दिस मस्ट बी द थिंग जिसके साथ मुझे रह के आई मीन लाइक कैन बी लाइक कैन नॉट बी और लाइक मे बी ये कुछ ज़्यादा पीस बहुत चल रहे थे उनके दिल में. एंड वो जो आपके जिनसे आप मिलने वाले हो जल्दी दे आर लाइक क्वाइट इन टू बड़े ब्लिंग चीज़ों को देख के जैसे ग्लिटर चीज़ों को देख के एकदम लाइक बहक जाते हैं. अपने अपोजिट सेक्स को बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो अपोजिट जो पर्सन है वो भी अच्छा होना चाहिए. बट ये जो भी पर्सन है एडवेंचरस है, नए चीज़ें करना पसंद है, पार्टी करना पसंद है, कुछ भी अच्छा देख तो उनके पीछे चले जाते हैं. ही दिस पर्सन इज नॉट अ मैच्योर जिनके साथ आपकी लाइक रिलेशनशिप होने वाला है एंड जिनके साथ आप शादी करने वाले हैं. इट्स लाइक दैट एंड प्रीटी मच ओ आई एम सो सॉरी कैमरा हिल गया था एंड दिस इज प्रीटी मच लाइक दैट एंड लेट्स सी ये क्या आता है. फाइंड ए फ्लो दैट वर्क्स फॉर यू. तो आपको एक ऐसा फ्लो के साथ जाना होगा जहाँ पे जो चीज़ आपके साथ रहता होगा. ओके डेफिनेटली दिस पर्सन जो भी आप फ्यूचर में मिलने वाले हो लवर है जो भी है आई डोंट थिंक सो यू विल एंड अप मैरिंग दिस पर्सन बिकॉज इनका जो भी सोच है ये कुछ अजीब है. एंड पर्सनली फील लाइक आप एक ऐसे बंदे से मिलो जो आपके लिए काम करता हो ना कि किसी के साथ भी रहना उनको पसंद है एंड किसी को भी देख के वो पसंद करने लगते हैं. दैट द केस एंड आप अपने लाइफ के स्टार बनिए. ओके तो आप अपने लाइफ में राइट नाउ आप पैसे के बारे में सोचिए क्योंकि आप आई थिंक यू आर इनटू टू मच ऑफ लव. लव के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो राइट नाउ यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन मनी इन योर लाइफ एंड नॉट पार्टनर इन योर लाइफ बिकॉज राइट नाउ आप जिनको चूज कर रहे हैं वो ब्लिंग के पीछे भाग रहे हैं. एंड दिस इफ यू रियली वॉन्ट टू मैरी दिस गाय आई डोंट थिंक सो ये रिलेशनशिप ज़्यादा चलेगा क्योंकि आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत आपसे भी बेहतर दिखने वाली से वो के साथ चले जाएंगे या दिखने वाला के साथ वो चली जाएगी. सो फाइंड ए पर्सन दैट इज राइट फॉर यू दैट्स परफेक्ट थिंग. एंड अपने आप को अपने लाइफ का स्टार समझिए. आप अपने आप को थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए जो आप अपने लाइफ में आप अपने आप को नहीं ले रहे हैं. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर एट जो भी चूज करें. सो आप सोच समझ के अपने लिए पार्टनर चूज कीजिए. आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को वन लाइक कर दीजिए और मेरे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना भूल मत. यहाँ से आपको लेटेस्ट जानकारी मेरे चैनल की मिलती रहेगी. फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए. तो जिनने भी मेरा लाइक पिके कार्ड रीडिंग में ब्लू कलर चूज किया है इनके लिए है. अभी का जो रीडिंग है इनके लिए है. आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको लेटेस्ट जानकारी मेरे चैनल से आपको मिलती रहेगी. और आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए. अभी हम देखते हैं रीडिंग जो कि है ब्लू कलर का जो भी जिन्होंने भी चूज किया उनके लिए है रीडिंग कि वो किस तरह के इंसान के साथ उनकी शादी होगी. आपके जिनके साथ भी शादी होने वाली है वो पर्सन थोड़ा सा सीक्रेटिव है. दूसरों के सीक्रेट्स रखना उनको नहीं आता लेकिन खुद के सीक्रेट्स बड़े अच्छी तरह से रखते हैं. अपने सीक्रेट्स किसी और को बताते नहीं हैं. दे आर लिटिल काइंड ऑफ कनी और लोल. ओके दे आर लिटिल काइंड ऑफ कनी कनिंग पर्सन है एंड मे बी ओ माई गॉड. इससे पहले दो बार जो भी मेरा जो कार्ड नंबर जो वाइट कलर चूज करे वो तो लाइक लाइफ पार्टनर के लिए आया था. जो रेड कलर चूज करे
उनका तो लाइक एक रिलेशनशिप आया था, आपका जो भी आया है आप सोच समझ के इन बंदे से आप प्यार कीजिएगा, क्योंकि आप जिस पर्सन से आपका प्यार होने वाला है, इस पर्सन से आपकी शादी होगी तो बहुत बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आप सोच समझ के इस पर्सन के साथ रहिए। आप आपकी इनके साथ शादी होगी नहीं होगी वो अभी हम पता कर लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, ये बंदा जो भी है उनको बड़े सीक्रेट्स हैं इनके पास, ये दूसरों के सीक्रेट्स अपने पास रखना इनको पसंद नहीं है, और ये दूसरों के सीक्रेट दूसरों में ऐसे बांटते हैं जैसे कि मतलब लड्डू बांट रहे हों, एंड अपने सीक्रेट्स से किसी को नहीं बताते। एंड इनके वजह से इनके अपने दोस्तों के साथ बड़ी लाइक इनकी लड़ाई होती रहती है, एंड जो भी जो पास्ट में जो भी हर्ट हुए हैं ये वापस आके इनसे लड़ाई करने वाले हैं, एंड इनसे लड़ाई करने वाले हैं। बट ही इज क्वाइट स्मार्ट इन दिस केस, ये बड़े चीज़ों को संभाल के रखना पसंद करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये इतने भी स्मार्ट नहीं है कि इतने सारे लोगों को ये हर्ट करे, एंड दे विल डेफिनेटली कम बैक एंड हर्ट हिम बैक वेरी बैडली। सो आप एक ऐसे बंदे के साथ तो डेफिनेटली नहीं रहना चाहेंगे जिनके साथ दूसरों की बहुत सारी दुश्मनी है, एंड स्पेशली राइट नाउ आप किसी के साथ हैं जो बड़े स्वीट टॉकर हैं। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ जो अच्छा दिखता हो वो सही हो, क्योंकि जो भी ये पर्सन है ये बड़े प्यारे प्यारे बातें करेंगे, अपने प्यारे बातों में दूसरों को उलझाना इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है, दूसरों के सीक्रेट्स निकालना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। एक तरफ के से देखे जाए तो दूसरों का सीक्रेट जान के अपना सीक्रेट्स ना बताने ये बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट वाली बात है, लेकिन दूसरों के सीक्रेट उनको टॉर्चर करने के लिए उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज किया जाए ये एकदम गलत बात है। अगर दूसरों का ये पास्ट लाइफ को इतना अच्छी तरह से दूसरों से जान लेते हैं फिर उनको लाइक इमोशनली हर्ट करने के लिए ये यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाइक टोटली रॉन्ग। एंड जिनके साथ भी आपका अभी लाइक लव रिलेशनशिप होने वाला है आप सोच समझ के इनके साथ रहिएगा, क्योंकि इनके दुश्मन बहुत हैं एंड दे विल डेफिनेटली कम बैक, एंड लाइक तुम्हारे वजह से मेरे लाइफ में ये परेशानी हुई, दे विल कम बैक एंड टीच मी अ लेसन। एंड आप ऐसे सिचुएशन में नहीं रहना चाहती हैं या चाहता है कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप हो फिर आपको भी लाइक पिछवाड़े पे बहुत बड़े बड़े इस तरह के कोई डंडे पड़े, तो आप अपने पिछवाड़े को बचाते हुए इस पर्सन से आप जितना दूरी बना के रखें तो अच्छा है। जिनके साथ आपका नेक्स्ट लव रिलेशनशिप होगा सोच समझ के इनके साथ आप प्लीज रिलेशनशिप बनाइएगा, एंड देखते हुए ओनली यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, दैट्स सो ट्रू। लाइक ये कार्ड एकदम परफेक्ट तरीके से आया है, आप ही को अपना इंट्यूशन को लाइक जज करना चाहिए वेदर यू शुड बी इन लव विद दिस पर्सन और नॉट, क्या आपको इनके साथ प्यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपके दिल में एक बार भी आता है यार इस बंदे में या इस बंदी में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसने किया है, कुछ तो को ना ऐसे ही लाइक हवा में मत उड़ जाने दीजिए, क्योंकि आप अच्छी तरह से लाइक जान जाएंगे पहचान जाएंगे उस फीलिंग को नकारिएगा मत, क्योंकि कभी कभी बहुत लोग इस प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कुछ फीलिंग्स को नकार देते हैं फिर बाद में रोते हैं, तो बेहतर होगा कि आप ऐसे बातों के लिए ना रोएं। ओके एंड नेक्स्ट इज टेम्पटेशन, या जो इतने सारे जो लड्डू सामने हैं तो ऑब्वियसली आप मुंह के अंदर डालने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर आप इन लड्डुओं की तरफ ना देख के जलेबी की तरफ देखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि लाइफ में लाइक जलेबी रसगुल्ला गुलाब जामुन ये भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लड्डू खाने के बारे में सोच रहे हो। आई थिंक यू जस्ट वांट टू मैरी दिस पर्सन इन द नेम बिकॉज आपकी शादी होने वाली है, शादी में एक लड्डू ही है। ओह माय गॉड, यहाँ पे आपको ये लड्डू है मैंने बनाए, ये कार्ड मैंने बनाए। सो बेटर होगा कि आप इस टेम्पटेशन और इस फीलिंग को लाइक जाने देंगे तो ही बेहतर होगा, एंड इस पर्सन के साथ जिससे भी आप शादी कर रहे हैं इट्स लाइक बिग नो नो, आई डोंट थिंक सो। आपको इनसे ये आपकी जिंदगी है भाई, आप कोई भी डिसीजन दे सकते हैं, क्योंकि इट विल बी क्वाइट टेम्पटेशियस स्वीट टॉकर, सीक्रेट्स जानते हो, लेकिन आप पहचान जाएंगे लेकिन फिर भी आप ये लड्डू हैं तो फिर लाइक सोच समझ के ही डिसीजन लीजिए। आपका लाइफ है तो आप जान जाएंगे कि इन पर्सन के दिल में क्या है, तो सोच समझ के ही इस चीज़ का डिसीजन लीजिए, क्योंकि टेम्पटेशन के साथ जाना सही नहीं होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फेसबुक पर भी ये वीडियो बनाती हूँ तो आप प्लीज़ मेरे
फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, और भी ज़्यादा अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, इस तरह के वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप ब्लेस, दूसरों को भी आशीर्वाद दीजिए खुश रहने का, तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा खुश रहने के लिए। सो बी हैप्पी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।